now today let's start with chapter number 9, post-modern period. In this chapter, we will study about Sangam age. हम इसमें चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Now, संगम एज की बात करते हैं. ये जो रीजन होता है, लाई करता है साउथ ऑफ कृष्ण तुंगा भद्रा एंड कावेरी रिवर. इसको हम तमिल रीजन कहते हैं. इट वॉज रूल्ड बाय 3 पावरफुल डायनेस्टी. इसमें आपको 3 पावरफुल डायनेस्टी का देखेगा, रूल देखेगा, चोला, चेरास और पांड्यास, ठीक है? दीज 3 किंगडम्स हैड पावरफुल पॉलिटिकल और कमर्शियल रिलेशन. इनके जो पॉलिटिकल रिलेशन थे और कमर्शियल रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. और जो तीनों डायनेस्टी हैं, सतवाहनाज वर ऑल्सो वेरी पावरफुल इन द सदर्न पार्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश. हम बात करेंगे 3 किंगडम्स की ऑफ तमिला कमार. सबसे पहले हम बात करेंगे चोलास की. जो चोलास थे ये कहाँ सिचुएटेड थे? कावेरी डेल्टा, रिवर पेनार और वेलेरू के बीच, ठीक है? इसको पॉपुलरली चोला मंडला कहा जाता था. इसकी कैपिटल क्या थी? कुहार. चोला की कैपिटल क्या थी? कुहार. एंड नाउ करी काला चोला, ये मोस्ट पावरफुल चोला किंग था. इसने चेरास के अगेंस्ट, चेरास और पांड्यास के अगेंस्ट फाइट करा. इसने श्रीलंका को भी अटैक करा था. एंड ही इम्प्रूव इरीगेशन सिस्टम. और इन्हें जो बैरन लैंड था उसको अंडर कल्टिवेशन लेके आया. इसने बहुत सारे रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करी और ट्रेड को इंकरेज करा. उरियाओं जो थे वो फेमस क्या थी? कॉटन ट्रेडिंग सिटी थी. इसने एक 165 किलोमीटर लॉन्ग एम्बैकमेंट भी बनाया और कहा कावेरी रिवर. और कुछ अदर फेमस चेरा मंच भी थे, जैसे राजा राजा और राजेंद्र. अब हम चेराज की बात करते हैं. उनको हम केरला पुत्राज भी कहते हैं. इन्होंने प्रेजेंट डे केरला और सम कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. इसकी कैपिटल क्या थी? वंची. और जो चेरा सेंगुटावन थे ये फेमस और बहुत डिस्टिंग्विश्ड थे अमंग द चेराज. इन्होंने चोलाज और पांड्यास के अगेंस्ट लड़ाई करी थी. एंड देवर स्ट्रांग नेवल फोर्स. और इन्होंने जो रोमन फ्लीट है उसको कैप्चर कर लिया. अब हम बात करते हैं पांड्यास की. पांड्यास किंगडम एक्सटेंडेड ओवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट एंड द कैपिटल ऑफ द पांड्यास वॉज मदुराई. की कैपिटल क्या थी? मदुराई. और मैगस्थनीस के हिसाब से ये सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है? नेड्रुवेनम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पांड्या किंग. ही सेड दैट ही हैड डिफीटेड बोथ. उसने कहा था कि मैंने चोला और चेरा दोनों को डिफीट किया. इकोनॉमी कहती थी ये रिच इन रिसोर्सेज थे. यहाँ पे अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज थे और जो उनका ट्रेड्स था वो एक्सटर्नल कंट्री के साथ फ्लरिश कर रहा था, ठीक है? द मनी कलेक्टेड एज रेवेन्यू वॉज यूज फॉर कीपिंग ऑन लार्ज आर्म. गुड एडमिनिस्ट्रेशन था. एंड संगम लिटरेचर में आपको यहाँ पोएम्स देखने को मिलेंगी बोल्ड प्रेशियस स्टोन्स के बारे में. साउथ इंडिया जो किंगडम थे उन्होंने लॉट ऑफ मनी ट्रेड से कमाया. पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, आइवरी विच वर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न. स्पाइसेस की बात करें स्पेशली पेपर, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स. और जो फाइन मुस्लिन और सिल्क क्लोथ था उसको क्या करा? एक्सपोर्ट करा गया कहाँ से? यूरोप से और वेस्ट एशिया. अब नॉर्थ एंड डेक्कन की बात करते हैं. नॉर्थ में फाइल्ड संगम लिटरेचर. इन द साउथ मेनी ट्राइब्स स्पेशली सेंट्रल एशिया. उन्होंने क्या करा था? हिंद कोस्ट को क्रॉस कर लिया था इंडिया में आने के. जिसमें आपके इंडो ग्रीक थे, बैक्ट्रियन चाकास थे और पल्लवास थे और प्रथियार्स और कुशांस थे. सबसे पहले ग्रीक आते हैं इंडिया. केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ग्रीक. अलेक्जेंडर इंडिया में आए. इन्वेट करे 326 BC, ठीक है? जब अलेक्जेंडर रिटर्न करे इन्होंने बहुत सारे इंडिया की टेरेटरीज इन द हैंड्स ऑफ हिज गवर्नर. सम ऑफ दिस गवर्नर सेट अप देयर ओन किंगडम जैसे बैक्ट्रिया और पार्थिया. ये जो किंगडम थे ये नॉन इंडो ग्रीक किंगडम्स. फिर शाकास की बात करते हैं. ये नोमैडिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया के. ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इंडिया आफ्टर ग्रीक. एंड दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एट तक्षशिला और मथुरा. और ये वहीं से रूल करते रहे. जो सबसे फेमस जो रूलर है इस डायनेस्टी के वो रुद्रावन वन है. फिर जब ये डिक्लाइन हुआ सतवाहंस का वो कौन आए आपके? प्रतिहांस. शाखे डायनेस्टी फॉलो प्रत्यास केम फ्रॉम ईरान. ये एक्सरसाइज करते थे 30 ओवर स्मॉल एरिया नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में. और फिर गोपाल गोंडा फेरेंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्टियर. अब हम कुशांस की बात करते हैं. जो कुशान हैं वो किसको बिलोंग करते थे? नोमैडिक याचू ट्राइब इन चाइना. इसने डिफीट का इंडो ग्रीक्स को, पल्लवास को. और इसने अपने रीजन में तक्षशिला में अपना एस्टैब्लिशमेंट बनाया, ठीक है? लेटर से इसने क्या करा? इसने कश्मीर, पंजाब और जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जगह उनको भी ऑक्यूपाई कर.
कनिष्क जो थे ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर थे, स्टार्टेड इन न्यू एरा 78 AD, जिसको शाक्का एरा भी कहा जाता है। इट वॉज यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं यूज करा था। इसने एक वास्ट एम्पायर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया में, और पुरुषपुरा ये आपकी कैपिटल थी इस एम्पायर की, मथुरा वॉज अदर इम्पॉर्टेंट सिटी, और जो कनिष्क था उसने वो किससे इंप्रेस था, बुद्धिज्म से, ठीक है। इट वॉज जनरली नोन एज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग अ ग्रेट रिजाइन, जब वो बुद्धिस्ट वॉन्ग्स थे जो कहा हुई थी कश्मीर में हुई थी, और यहाँ पे स्कॉलर्स ने इशूज वगैरह डिस्कस करे थे बैठ के, ठीक है। सतवाहंस की बात करते हैं, ये आंध्रास थे, ये डेक्कन से रूल कर रहे थे, ठीक है। नाउ प्रतिष्ठाना मतलब मॉडर्न पठान इन महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल थी, और जो पावरफुल थे रूलर थे वो कौन थे, शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्रा, पुल्यामी, यजनाश्विनी, ये क्या थे, कुछ पावरफुल रूलर। द सतवाहन स्पेशली इज अ पावरफुल एम्पायर एंड कंटिन्यूस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, साकार ग्रेजुअली मेड देमसेल्फ वीक, और क्या हुआ जिनके किंगडम्स थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गए। ट्रेड की बात करें, जो ट्रेड है वो किसके अंडर है, पेट्रोज ऑफ लीड रूलर्स के। यहाँ पे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है फॉरेन ट्रेड की, रोमन्स की, एंड स्पिनिंग और फेरिंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क। नेक्स्ट हम टॉक करेंगे बहुत इनलैंड और फॉरेन ट्रेड होते वर्ल्ड ऑर्गेनाइज थे, चेराज, पांड्याज और चोलाज ने जो फॉरेन ट्रेड था वो ऑर्गेनाइज करा हुआ, ठीक है। जो इंडो ग्रीक कुशांस और सतवाहनास थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वाइट बोथ थे, वो क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे। फिर उन्होंने न्यू क्राफ्ट से ट्रेड को प्रमोट करा था, और जो प्रॉस्पेरस जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो हुआ था वो कौन था, तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा। सिल्क रूट की बात करते हैं, इंडिया केम इन टू कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस लैंड थ्रू ट्रेड, और जो सिल्क रूट था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड था, जिसे हम सिल्क वॉज द मेन सेंटर, जिससे मेन सिल्क जो था वो मेन आइटम था जो इसके थ्रू ट्रेड किया जाता। चाइनीज वर द फर्स्ट टू मेक सिल्क, और चाइनीज ट्रेडर जो थे उन्होंने इस रूट को फॉलो करा, और वो सिल्क को कैरी करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर वर सेवन हंड्रेड ऑफ हूज मेन ब्रांच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना आफ्टर रनिंग एक्सट्रॉल द एशिया प्रोविंस रोमन एम्पायर, ठीक है। आइवरी, सिल्क और प्रेशियस स्टोन इन टर्न वॉज ऑब्टेन्ड, एंड द ग्लास, कॉपर, टिन एंड गोल्ड का क्या करा। मैनी रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल ओवर सिल्क रूट, देखो बहुत से रूलर ने ट्राई करा कि हम सिल्क रूट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। उसके बाद रिलीजन की बात करते, इस पीरियड में दो रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो वाइडली फॉलोड रिलीजन थे। बुद्धिज्म को हमने दो सेक्ट्स में डिवाइड करा था, हिनायन और महायान। हिनायन की बात करें, अर्लियर और सिंपलर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, और महायान नया फॉर्म का था, यहाँ पे रिचुअल्स और सेरेमनीज होते थे, ठीक है। और मिनान्ट्रा इंडो ग्रीक रूलर थे, और कलेक्ट जो थे कुशान थे, ये क्या थे, बुद्धिस्ट थे। इन्होंने डोनेटेड देयर लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इन्होंने अपने लैंड को क्या करा, डोनेट कर दिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाने, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती वर टू फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर ड्यूरिंग दिस। बुद्धिस्ट कल्चर के टाइम पे जो मेन फेमस सेंटर थे वो नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.